अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों बेटियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। एक हमने आज जो है अपनी एक बहन को मॉडल बनाया है, इनकी करूँगी फेस पॉलिश, तो साथ साथ मैंने कहा आप लोगों को भी दिखा दूँ। सबसे पहले रोज़ वाटर से जो है हम इनको स्प्रे कर देंगे फेस पर अच्छे से, और इसके बाद जो क्रीम है हमारे पास जैसिका की इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, जैसिका का नज़र आ रही है देखो, जैसिका का पार्ट वो स्टेप वन और स्टेप टू, बस दो क्रीमें यूज़ करेंगी क्योंकि ये फेस पॉलिश हो रही है तो ज़्यादा क्रीमों की ज़रूरत नहीं है। इसी के से मैंने ये सिर्फ दो अदद ले लिए, स्टेप वन स्टेप टू, और ये बस थोड़ी सी बहुत रहती है वरना संभालना मुश्किल हो जाता है। इससे बहुत अच्छी से आप फेस पहले का देख लें, बल्कि गलती हो गई एक पिक्चर ले लेते। इससे आप पहले अच्छे से इनकी क्लीनिंग करेंगे फेस को, और उसके बाद जो है स्टेप वन स्टेप टू से, और उसके अच्छे से कटने के बाद फिर इसके हम फेस इसकी फेस पॉलिश जो है वो लगाएंगे, तो हमारा फेस पॉलिश का स्टेप कंप्लीट हो जाएगा और मास्क लगेगा लास्ट में। आप लोग घर में भी कर सकते हो, अपना खुद भी कर सकते हैं। पार्लर का सीक्रेट है, पार्लर में आप ज़्यादा पैसे देने के बजाय आप खुद से अपने कामों को घर में कर। अब जो है ये दूसरी वाली जो हमारे है दूसरी स्टेप है वो शुरू कर रहे हैं क्रीम का। 5 मिनट तक करने के बाद, 2 से 5 मिनट, फिर उसके बाद ख़त्म, फिर अब आप स्टार्ट करेंगे दूसरी क्रीम से। इनके साइड से भी आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दिया करें और सब्सक्राइब भी। खाना पकाने के साथ साथ सेल्फ ग्रूमिंग भी आती हो तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि लेडीज जो हैं बच्चियाँ जो भी हमारी हैं बहनें बेटियाँ वो घर में खाना वाना भी बनाएं और अपने आप को भी संवारना सीखें। बताने का मकसद सिर्फ यही है। फेस पॉलिश तैयार करने के लिए जो है हमने ये वाइटिंग पाउडर लिया है, ये लूंगी मैं 1/2 टीस्पून। बंद करो उसे, क्लोज करके रखो, और इसका जो पाउडर है आप कोई सा भी ले सकते हो, मेरे पास जो है मैं वो ले रही हूँ, ये ब्लीच पाउडर है आप देख लो, नोट कर लें नाम, आप वेला वालों को भी ले सकते हैं, गोल्डन घर वालों का, कोई सा भी आप ले सकते हो। ये डेवलपर है इसका ही, ये लेंगे। हाफ टी स्पून मैंने ये पाउडर लिया था इसका ब्लीच का, और 1 टी स्पून जो है इसका पाउडर लिया है, और ये सॉफ्ट टच वालों का सूथिंग लोशन है, ये भी 1 टीस्पून के करीब लेंगे। इसके अलावा डर्माकॉस वालों का मेरे पास ये है स्किन ग्लॉस है, ये शाइनर के तौर पे भी यूज़ होता है।
जो छोटा वाली स्पून होता है वो टी स्पून जो होता है उसमें एलोवेरा जेल भी डाल रही हूँ, ये देखें। और इसकी अगेन मिक्सिंग करेंगे। और अप्लाई करेंगे फेस पर। अप्लाई करते हुए ख्याल रखना है कि ऊपर की तरफ करना है इसको अप्लाई। इनके जो हेयर की ग्रोथ ज़रा ज़्यादा है तो इसे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से थिक लगाऊंगी मैं। मुंह बंद करो फिर आके मुंह को बंद करो, मुंह की बंद कर बंद करो, उस पे आएगा वो लगेगा। और ना मास्क लगाने के बाद तकरीबन 5 से 10 मिनट जो ड्राई ना हो जाए जब तक इसको फैन ऑन करके मैं रखूंगी। और मेरी वीडियो इसी तरह आप लोगों को मिलती रहे, पसंद आए तो आप लोग जरूर लाइक एंड शेयर जरूर किया करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा प्लीज, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दिया करें ताकि मेरी कोई भी जो मैं वीडियो अपलोड करूं जिससे आप लोगों की सेल ग्रूमिंग रहे तो आप लोग उसको बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दिया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। कमेंट्स में बताइएगा कैसी लगी। अब मैं इसको थोड़ी देर के बाद आपको दिखाती हूँ रिमूव करके। तकरीबन हमें 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और अब मैं इसको क्लीन करने लगी हूँ। इनका जो मास्क था वो रिमूव हो चुका है। माशाल्लाह माशाल्लाह कितना खूबसूरत रिजल्ट आया इनके फेस पर। यकीनन आप लोगों को पसंद आई होगी मेरी वीडियो, और पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, सब्सक्राइब प्लीज़ याद से कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।